सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रह्म ब्रह्म से भगवान, भगवान से अवतार, ये तीन श्रेणी में प्रभु क्यों बटते हैं? किस लिए भगवान जो ब्रह्म है, जो किसी को दिखाई नहीं दे सकता, जो कोई स्पर्श उसका नहीं कर सकता, जो दिख नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, लेकिन उसके पास ये आपकी तरह मुख नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बराबर कोई विद्वान नहीं, उसके पास कान नहीं लेकिन उसके समान सुनने की सामर्थ्य किसी में नहीं। अब आप बताइए, हम तो अपने परिवार की सुन लेंगे, कोई दुख हो जाए या किसी को समस्या हो जाए तो आप कितनी सुन सकते हैं किसी की? कोई अपना दुख लेकर आपके पास आए तो आप एक दिन सुनेंगे, दो दिन सुनेंगे? अगर वो लगातार आपको सुनाता रहा ना, तो आप बोलेंगे भैया क्या सारे टाइम आप ये दुखी लेकर बैठे हो, कहीं और सुनो, हमें आपके दुख को देख देख कर सुन सुन कर बड़ा बुरा सा प्रतीत होता है, थक गए हम, क्या रोज का वही अपना रोना लेकर बैठ जाते हो, लोग आपको डांट देंगे। लेकिन भगवान ने आज तक आपको मना किया, जब जब जाते हो अपने दुख ही लेकर जाते हो, हमारे सब सुना सुना के आते हो, लेकिन आज तक वो थके नहीं, उनके समान सुनने वाला कोई नहीं, और पूरी दुनिया सुनाती है उन्हें। अरे महाराज चलो आप तो अपने दुख सुनाते, कई तो ऐसे होते जो ठाकुर जी कोई गालियां सुनाते, तूने सब बेकार किया, ऊपर वाले तू है भी नहीं, ऐसा तक बोलते हैं। फिर भी प्रभु उनके समान सुनने वाला, कान नहीं है उस निर्गुण ब्रह्मा के, लेकिन उसके समान सुनने वाला कोई नहीं। बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, उसके पास वाणी नहीं लेकिन उससे बड़ा, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। अर्थात कि बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के कार्य करता है, मुख भी नहीं है फिर भी सारी चीजों को भोग सकता है, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, निर्गुण परमात्मा जिसको आप देख नहीं सकते। लेकिन वही जब सृष्टि मात्र पर कृपा करते हैं तो अपने तीन रूप धारण कर लेते हैं, यानी नजदीक आना चाहते हैं, अपने को प्रत्यक्ष कराना चाहते हैं, तो फिर त्रिगुणी रूप धारण कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। लेकिन फिर भी लोगों की पहुंच से अभी दूर है, क्योंकि लोग साधना से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, सामान्य प्राणी हम और आप नहीं पा सकते उन्हें। तो फिर प्रभु क्या करते हैं, भक्तों की और करुणा को देखकर फिर धरा पर अवतार लेते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं, जिसे आप सखा मान सकते हैं, मित्र मान सकते हैं, जिसका सामीप्य आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रभु आनंद में विभोर हो करके, वो कहते ना आम का पेड़ लगा हो और बड़ा सा आम लगा हो तो लोग डंडे से पत्थर से मारकर उसे पाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी ऊंची टहली पर है, डाली पर लगा हुआ है कि किसी के हाथ नहीं आने वाला, तो क्या हुआ, वो आम के अंदर रस भरता जाता है, वो आम और नीचे आता जाता है, और रस भरता जाता है, भारी हो जाता है, और डाल नीचे आ जाती है, और एक दिन इतना सामान्य डाल हो जाती है कि कोई इंसान जो डंडे मार रहे थे, कंकड़ मार रहे थे फेंक कर, वो अपने पैरों पर उछल करके उसे तोड़ लेते हैं, यानी आम अपने आप ही नीचे उतर आया। उसी प्रकार भगवान भी वो मीठे मिठास आम की तरह जो सबसे ऊंची डाली पर बैठे, कौन सी डाली पर, ऐश्वर्य की डाली पर, आत्म और ब्रह्म ज्ञान की डाली पर, जिसको सामान्य लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो भाव प्रधानता की डाली पर बैठे हैं। हम चाहे अपने साधना के डंडे मारना चाहें, तपश्चर्या के कंकड़ मारना चाहें, नहीं हाथ आने वाले महाराज, इतने आसान नहीं है, लेकिन जब आपके अंदर भाव पैदा होता है उसे चखने का, तो क्या होता है, उस जैसे उस फल के अंदर रस भर जाता है और वो भारी हो जाता है, उसी प्रकार भगवान भी करुणा से भर जाते हैं, उनको भी दया आ जाती है और वो बहुत सरल हो जाते हैं, बहुत नीचे आ जाते हैं, यानी वो अवतार ले लेते हैं जो आपकी पहुंच से भी दूर हैं। अब आप बताइए, ठाकुर जी ने अवतार लिया था, आज अवतार लेंगे प्रभु कृष्ण रूप में,
तो नंद बाबा ग्वाल वाले महाराज ऐसे घर में अवतार लियो जाके गैया गोबर आदि सब चारों तरफ रहता है। जहां ग्वाल बाल आकर कोई मुंह में उंगलियां दे रहा है, कोई गाल पे गोबर लगा कर जा रही है गोपी, कोई पैर खींच रही है ठाकुर जी का, सारे मतलब कई तो ठाकुर जी की पीठ पर चढ़ जाते, ग्वाल बाल भगवान की पीठ पर चढ़ जाते। क्यों रे छोरा, हमें चल झुला के लेके आ, चल घोड़ा बन। अब भगवान को कोई ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन ये भगवान के साथ जब संबंध हो जाता है ना, तो फिर भगवता भूल दी जाती है, भूलनी पड़ती है, तभी प्रेम होगा। तो यहां अवतारों की कथा भागवत में बताई है कि किस प्रकार भगवान करुणा करके हम मानवों को सही दिशा बताने के लिए, अपने पथ पर लगाने के लिए, जीवन में किस प्रकार का संयम होना चाहिए, किस प्रकार के नियम मर्यादा होनी चाहिए, उन नियमों का पालन करते हुए प्रभु अपने अवतार में वो चरित्र करके बताते हैं।